एवरीवन, आई एम शालू। वेलकम बैक टू माय चैनल। हे गाइस, तो मनाली व्लॉग एपिसोड 2 में आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो मनाली वाली देखी है, सो उन लोगों के लिए तो ये सेकंड वीडियो आ चुकी है। एंड जिन लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिएगा एंड फिर ये वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को सारा एपिसोड समझ में आएगा। हे गाइस, तो ये है हमारे मनाली का रूम। आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, और इसमें एक विंडो भी है, ठीक ठाक है। एक नाइट के लिए जस्ट सिर्फ एक स्टे करनी है हमने यहाँ पे, और फिर हम सुबह रोहतांग पास के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। और ये बिल्कुल माल रोड पे ही था। एंड कुछ टाइम हमने रेस्ट किया रूम में एंड उसके बाद हम निकल पड़े अपनी मनाली यात्रा पे, आई मीन टू से के टूर पे, वहाँ के व्यू देखने के लिए। एंड रास्ते में हमें एक गोलगप्पे वाला भैया दिखा, तो हमारे मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का। सो इन्होंने पहले सबसे पहले ट्राई किया और गैवी ने किया। काफ़ी स्पाइसी थे, बहुत टेस्टी थे। एंड हम इसके बाद जाने वाले हैं सबसे पहले वन विहार, जो बिल्कुल हमारे पास में ही था। आप लोग देख सकते हैं ये रोड है, वन विहार की तरफ ही जा रही है। ये जो आपने अभी पेड़ देखे वो, बस कुछ ही मिनट का रास्ता था, जैसे जस्ट 5 मिनट। ये जो जितने भी पेड़ हैं ये सारे वन विहार के ही पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े, सारा ग्रीनरी है वहाँ पे। और ये माल रोड आ गया है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल माल रोड के पास में ही गेट है वन विहार का। और यहाँ से हमने टिकट लेनी है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि टिकट के प्राइस क्या हैं। 50 रुपीज़ अडल्ट के हैं, मतलब बड़ों के हैं, और 20 रुपीज़ चिल्ड्रन हैं। तो जैसे हम कुछ टाइम पहले आए थे, काफ़ी साल हो गए हैं तब आए थे, तो कोई टिकट वगैरह नहीं थे यहाँ पे उस टाइम पे। ये अभी हुआ है और अंदर से बिल्कुल चेंज हो चुका है ये जो वन विहार है। पहले ये कुछ और तरह था, बट अब ये चेंज है। टिकट के बाद हम अंदर से देखेंगे कि कैसा है। जब हम पिछली बार आए थे तो पिछली बार कुछ चेंज था, मतलब उस टाइम पे यहाँ पे नहर वगैरह थी, काफ़ी अच्छा था। तो अब देखते हैं, अब जैसे मुझे बच्चों के प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा है सामने, तो यहाँ पे एक बोर्ड है, बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है एरिया, इन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों को कहाँ पे जाना है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आप बोर्ड देख सकते हैं, चिल्ड्रन पार्क है सामने, तो हमारे साथ तो बच्चे हैं तो हम तो पार्क ही जाएंगे, चिल्ड्रन पार्क ही। वहाँ पर गैवी, देखते हैं क्या क्या गैवी को मिलने वाला है। आप चेक कर सकते हैं बोर्ड कि आप लोगों को कहाँ पे जाना है। सो यहाँ पे इस बोर्ड में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है यहाँ का वेदर, यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्राउड है, एंड बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एरिया प्ले ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे। जैसे आपके साथ बच्चे हैं तो आप बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आके। एंड शब्द को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैसे झूले थे, तो वो भी खूब मस्ती कर रहा था। बट गैवी की जिद शुरू हो चुकी थी, मुझे यहाँ पे पेड़ वाले झूले थे, वो पेड़ झूले लेना चाहती थी। एंड उसके बाद वो स्विंग झूलों के लिए तैयार हो गई। एंड आप लोग देख सकते हैं इस टाइम वो मस्ती कर रही है एंड इंजॉय कर रही है, और उसके पापा उसको झुला रहे हैं क्योंकि उसको इतना झूला नहीं लेना आता। शब्द को तो निन्नू आ चुकी थी, और मैंने भी थोड़े से झूले लिए, हम लोगों ने भी थोड़ी मस्ती की।
आप लोग देख सकते हैं वन बिहार सारा जो भी है वो सारा, मतलब ये जो पेड़ आप पीछे देख रहे हैं सारे पेड़ ही वन बिहार की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अगर आप विंटर में आएंगे यहाँ पे तो ये आपको सारे के सारे पेड़ बर्फ़ से घिरे हुए मिलेंगे। एंड उसके बाद जब हम नीचे गए तो हमें एक लेक दिखाई दी, तो यहाँ पे ये अभी बनी है, पहले ये नहीं थी, पहले यहाँ से साइड में एक नहर गुजरती थी बट अब इन लोगों ने इसे चेंज कर दिया है। सो अभी ये यहाँ पे एक छोटी सी लेक बनाई है, यहाँ पे बोटिंग भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। 50 rupees बोटिंग के चार्जेस थे यहाँ पे, बट हमें आगे भी जाना था तो हमारे पास टाइम नहीं था इतना, तो हमें हडिम्बा टेम्पल जाना था इसके बाद, तो हमने बोटिंग नहीं की, बस हमने ऐसे ही लेक का आनंद उठाया एंड हमने व्यू को देखा। एंड हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे, काफ़ी टाइम स्पेंड किया और शब तो सो ही रहा था, आप लोग देख सकते हैं मेरी गोद में, और हम लोगों ने भी झूले लिए, इन्होंने भी झूले लिए, मतलब मज़ा आ रहा था। एंड गैवी जिस झूले के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी वो यही था, तो ये इसको जंपिंग करनी थी एंड आप लोग देख सकते हैं कि वो इस टाइम पर जंपिंग कर रही है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि बाकी जैसे सारे झूले थे वो पेड़ नहीं थे, लेकिन ये वाला झूला पेड़ था, तो यहाँ पे 50 rupees उन्होंने पे किए थे, 15 minutes समथिंग कुछ ऐसे है। एंड वन बिहार के बाद इंजॉय करने के बाद हम निकले हडिम्बा टेम्पल के लिए। एंड आप लोग देख सकते हैं कि रास्ते में ये माल रोड आया है, अगर आप चाहे तो आप गाड़ी से भी जा सकते हैं हडिम्बा टेम्पल, एंड मतलब काफ़ी टाइम का रास्ता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें पैदल ही हम निकल गए, बट हमने जब रास्ते में किसी से पूछा कि हडिम्बा टेम्पल, हमें ये था कि नज़दीक में होगा बट आप लोग गाड़ी लेके ही जाइएगा, एंड हमने फिर आगे से ऑटो लिया था, सो इसीलिए हमें पता नहीं था कि काफ़ी दूर है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका होता है उसका 1 kilometer भी काफ़ी दूर पड़ जाता है, और हमारे साथ बच्चे थे सो इसीलिए हमें प्रॉब्लम हुई थी। और आप लोग देख सकते हैं कि हम हडिम्बा टेम्पल पे पहुंच चुके हैं, हम ऑटो से गए थे हडिम्बा टेम्पल। एंड ये आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी, अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं प्रसाद ले सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत कुछ है शॉपिंग करने के लिए तो। और आप लोग देख सकते हैं हडिम्बा टेम्पल का व्यू बहुत खूबसूरत था, और मनाली सारा ही इन पेड़ों से घिरा हुआ है, बहुत प्यारे लगते हैं ये ग्रीनरी, पूरी ग्रीनरी ही है मनाली में। और आप लोग देख सकते हैं हम हडिम्बा टेम्पल पे पहुंच चुके हैं, एंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड था क्योंकि ये जून का हॉलीडेज़ का, बच्चों के समर का टाइम है, जो हॉलीडेज़ आते हैं समर में उसका टाइम है, सो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। और जब हम मंदिर में पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, सो बहुत वेट करने के बाद हमने माथा टेका यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि सामने कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है। सो आप लोगों को अगर हडिम्बा टेम्पल का इतिहास पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि ये हडिम्बा माता है, जो हमें भी नहीं पता था, हमने पूछा था किसी से एंड फिर उसके बाद हमने गूगल पे सर्च किया कि इसका इतिहास क्या है, इस मंदिर का, इस मंदिर के बारे में बताया कि जो हडिम्बा माता हैं वो एक राक्षस की बहन थी, एंड वो राक्षस की बहन जो 5 पांडव थे तो उनकी शादी भीम के साथ हुई थी, तो ये इसका इतिहास है। वो इस वन में आए थे, यहाँ पे आए थे वो, तो जो हडिम्बा माता थी उनको उसकी मतलब भीम के साथ मैरिज हुई थी। रोने वाले, ये तो बहुत प्यारा बेबी है शब्द, ये रो रही है, इसको बस 3 cotton candy लेके दे दिए हमने, ये और मांग रही है कॉटन कैंडी, नहीं वो बुलबुल से बबल्स, वो नहीं लेना। देखो देखो सब देखो कैसे कर रहा है। मुझे लगता है
ये वाला आपके लिए इतने दो फ्री में देना है, दे दो भैया, ठीक है ये सामने जो बबल वाले भैया हैं, इन्होंने देख लिया कि ये बच्चा जिद कर रहा है, ये बबल मांग रहा है, तो वो खुद ही वहां से आ गए कि आप ले लो ये बबल्स, ले लो बच्चे को दिलाओ। नहीं नहीं, क्या करेगी, फालतू का वेस्ट है ये। थोड़े होंगे सर, मैं तो आपको बोल दिया जो लाने वाले हैं, लास्ट ही है ये, इसके बाद कुछ मिलेगा नहीं। हम इसे मना कर रहे थे क्योंकि कुछ भी देख रही थी, इसको सब कुछ चाहिए था, कुछ भी देखती थी इसकी जिद शुरू हो जाती थी बस। चल देते हैं बाल्टी को, चल ठीक है। एंड इसके बाद हम पहुंच चुके हैं माल रोड, आप लोग देख सकते हैं कि हम माल रोड पहुंच चुके हैं। एंड ये जो ग्राउंड है, विंटर में यहाँ पे स्केटिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पे पूरी बर्फ ही बर्फ होती है विंटर्स के टाइम पे। अगर आप विंटर में आएंगे तो पूरा यहाँ पे वाइट ही होगा। एंड इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। एंड माल रोड पे आप लोग देख सकते हैं कि पीछे हमें माल रोड दिखाई दे रहा है। माल रोड पे इस टाइम पे इतना ज़्यादा क्राउड है कि आप लोग देखो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। देखिए कि कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा रश है इस टाइम पे, और ये सिर्फ बच्चों के हॉलीडेज़ के कारण है। आइए मैं आपको अभी किसी से मिलवाती हूँ, और ये है चार्ली, आप लोग देखिए। हम काफ़ी ज़्यादा टाइड हो गए थे, तो एक बार हम होटल चले गए, उसके बाद हम नाइट में दोबारा आए, और ये जो भी आप नाइट का व्यू देख रहे हैं इस टाइम पे। एंड बच्चों को मैंने थोड़े से जो क्लॉथ है उनके, वो वॉर्म थोड़े से उनको वेयर करवा दिए थे, क्योंकि वहाँ का वेदर इस टाइम पे थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। एंड आप लोग देख सकते हैं, शब्द को भी मैंने थोड़े से कपड़े हैं जो वो चेंज कर दिए थे, उसके कैप। अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उनको, मतलब मनाली का जो वेदर है समर पे, दिन के टाइम तो ठीक रहता है लेकिन नाइट पे ठंडा हो ही जाता है। अब इस ठंडी में हम खाने वाले हैं बॉयल्ड एग, और यहाँ पे पास में ही एक आंटी बैठे हैं, सो इनसे हमने 4 एग बॉयल्ड एग लिए, एंड वो हम गर्मा गर्म अभी खाएंगे। ऐसे मौसम में मन कर गया खाने का एग। ये रेडी है हमारे एग, एंड अब रेडी हो चुके हैं, अब हम खाने वाले हैं इनको, देखिए। एंड गैवी को थोड़े गर्म लग रहे हैं, वो टच कर रही है तभी वो रख रही है क्योंकि थोड़े से गर्म है। हे गाइस, तो चलिए अब आपको नाइट का व्यू दिखाते हैं माल रोड का, कि माल रोड नाइट में कैसा दिखाई देता है। तो इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि सुबह की तरह ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है, और ये देखिए मेरे शब्द को इस टाइम पे नींद आ रही है, छोटे बच्चे को नींद बहुत आती है और ये सो गया। हे गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मनाली की ट्रेडिशनल डिश, और सिड्डू कुछ ऐसा इसका नाम है। एंड ये देते हैं साथ में चटनी होती है, टमाटो चटनी एंड मस्टर्ड सॉस होती है, एंड ग्रीन चटनी होती है। एंड इसमें मैंने जब स्टफिंग पूछी कि इसके अंदर इन्होंने क्या क्या स्टफिंग डाली हुई है, सो इन्होंने ड्राई फ्रूट बोला,
एंड ड्राई फ्रूट कोकोनट इसके अंदर इन्होंने ऐड किया हुआ है। एंड इन्होंने बोला कि ये आटे से बना है बट ये मैदे से बना हुआ है, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा था। एंड तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। इसके बाद हम डिनर भी नहीं कर पाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है, इसकी क्वांटिटी बहुत थी। हे गुड मॉर्निंग गाइस, सो आप लोग देख सकते हैं पीछे सारे सो रहे हैं। सो मैं जस्ट अभी बैठी हुई और विंडो पे देखा मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात की जाए। सो अभी हम तैयार त्यूर होके रोहतांग पास के लिए जाएंगे और अभी टाइम हो रहा होगा 6:30 पे मैं उठी थी तो 7:00 होने वाला होगा टाइम। सो उसके बाद हम रोहतांग पास में आज पूरा दिन स्पेंड करने वाले हैं, लेकिन हम आज मनाली से निकल जाएंगे सुंदरनगर की तरफ। वहीं पे हमने एक रूम वहीं पे बुक करवाया हुआ है, मतलब क्योंकि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ट्रैवलिंग कम हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतनी दूर तक गाड़ी नहीं चला सकते, कम से कम 7-8 आवर का टाइम लगता है ना। तो इसीलिए हम जैसे आते हुए भी सुंदरनगर रुके थे और अभी भी जाते हुए भी सुंदरनगर ही रुकेंगे। उठ गया है। तो ये विंडो के बाहर का नज़ारा है, हमारे रूम के जो बाहर विंडो है। एंड हम मिलते हैं 3rd एपिसोड में वीडियो के। सो गाइस 3rd एपिसोड में आपको रोहतांग पास दिखेगा। सो बाय।